देखिए, सबसे पहली चीज़ पाबंदियाँ माँ बाप ने नहीं लगाई, विलिंग वेज ने लगाई हैं। माँ बाप ने सिर्फ इम्प्लीमेंट करानी है, यानी माँ बाप ने सिर्फ हमारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है कि उन्होंने इम्प्लीमेंट करानी है। लगाई तो विलिंग वेज ने है, और विलिंग वेज के पास अथॉरिटी है लगाने की, क्योंकि वो हमारे पास ट्रीटमेंट में रहे हैं, और ट्रीटमेंट का एक बड़ा मेच्योर प्रोटोकॉल है स्टैंड्स, कि पाबंदियाँ लगा कर बाहर भेजना। इन पाबंदियों का बिल्कुल मकसद नहीं होता कि आपको नशे से दूर रखा जाए, या ये पाबंदियाँ सिर्फ माँ बाप के रिट वापस लाने में मदद देती हैं। यानी ऐसा नहीं है किसी पेशेंट के पास मोबाइल की प्रोविज़न ना हो या पैसे ना हो तो वो नशा नहीं कर सकता। यानी ये पाबंदियाँ इसलिए नहीं शेरोज साहब लगाई कि आपको नशे से दूर रखें, बात मानना सिखाने के लिए लगाई गई है कि आपसे कोई बात कही जाए और आप अच्छा कह दें, आगे से अजी कह दें और बात मान लें, सिर्फ इतनी सी बात है। और अगर इसमें आपको माँ बाप सख्त लग रहे हैं या लग रहा है कि माँ बाप का ब्रेन वॉश हो चुका है, तो ब्रेन वॉश अगर होना होता तो मेरे ख्याल सबसे पहले हम पेशेंट का नहीं, अगर ब्रेन वॉश जैसी कोई चीज़ होती तो हम पेशेंट्स का कर देते ताकि मसला ही ख़त्म हो जाता। माँ बाप का ब्रेन वॉश तो नहीं किया जाता, उनको तो काउंसलिंग के ज़रिए समझाया जाता है। हाँ, उन्होंने नशे नहीं किए होते तो वो बात जल्दी समझ लेते हैं, वो सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं। जी दाऊद साहब, क्या मुश्किल आई हैं? आपके पास फ़ोन नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास जो भी स्टैंड्स आप पर लगे हुए हैं, क्या मुश्किल हैं? आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया ना, आप काम पे जाते हैं, फ़ोन नहीं लेकर जाते। लाइक ये डॉक्टर हैं, ये सर्जन हैं, ठीक है, ये काम पर जाते हैं लेकिन इनके पास फ़ोन नहीं होता। और कल ये मुझे कह रहे थे कि मैं नॉर्मल लोगों से ज़्यादा अच्छी बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ क्योंकि फ़ोन का स्ट्रेस मेरे पास नहीं है। अब ये देखें, ये एक इनसाइट वाली बात है ना, कि उनके पास हर चीज़ है, लाइक वो लेकर जा सकते हैं, हम उनको रोकेंगे नहीं अगर उनका कभी फ़ोन का स्टैंड अपलिफ्ट करना हो क्योंकि उनको ज़रूरत है। लेकिन उनके पास इनसाइट इतनी है कि मैं इसके बगैर भी काम चला सकता हूँ। और दूसरा ये कि उन्होंने कोई मनमानी करके या बगावत करके फ़ोन लेने की बजाय वो ग्रेसफुली इंतज़ार कर रहे हैं और एक बड़ा मीनिंगफुल काम कर रहे हैं। आप सर्जन हैं, आप सर्जरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, रजिस्ट्रार हैं, तो आप बड़ा मीनिंगफुल काम कर रहे हैं। आप चाहें तो इस निस्बतन कम अहम सवाल को कम अहम रहने दें, आप चाहें तो इस कम अहम सवाल को ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन करके तो हर चीज़ के बारे में ऐसा तासुर पैदा कर दें कि कितनी नाइंसाफ़ी है, कितना जुल्म है, कितनी ज्यादती है, कितनी धोस है विलिंग वेज की। आप चाहें तो अपने मीनिंगफुल काम को जारी रखें, आप चाहें तो चिड़चिड़ करते रहें। पर प्रॉब्लम यह है कि जब समझाने के लिए कह रहा हूँ, जब आप चिड़चिड़ करेंगे ना तो आप खुश नहीं रहेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे। आपको इलाज की कोशिशों के बावजूद बेजारी का सामना करना पड़ेगा, बेचैनी का सामना करना पड़ेगा, तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए तो नहीं आपने इतनी मेहनत कोशिश की थी ना कि आपको इलाज के बाद भी बेचैनी, बेकरारी, बेजारी का सामना करना पड़े। और वैसे इन तमाम ज़रूरतों को पाबंदी का नाम देना ज़रा ओवरकिल होता है। सेहतमंद ज़िंदगी इसे ही कहते हैं कि जब किसी काम की, किसी बात की ज़रूरत हो तो हम वो करें, हकीकत के मुताबिक चलें। और जो बिल्कुल सेहतमंद लोग हैं, ये तो उन्हें भी एडवाइस नहीं दिया जाता कि वो शाम और रात को मोबाइल फ़ोन पे मंजी डा के बह जाएं और सारी रात जब तक उन्हें उनकी नींद बेहाल ना कर दे, वो तंग ना आ जाए नींद से, उस वक्त तक सोए नहीं। अब कहने को तो वो सेहतमंद है लेकिन रवैये तो सेहतमंद नहीं है उनके। ये एक शक्ल है एडिक्टिव बिहेवियर की, कभी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ हम इंसानों में एक सलाहियत है कि जब हमने अपनी किसी बात को उसमें वजन डालना होता है ना, तो हम उसे वी एग्जेजरेट इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ऐसा एडवर्टाइजमेंट में भी होता है। वो इन सर्दी, पिछली सर्दियों को तो वो मैकडॉनल्ड्स का एक बर्गर है, सैंडविच है, फिलेओ फिश, वो N99 है बेचारा, लेकिन जब उसका ऐड देते थे ना तो लगता था पता नहीं जाइंट साइज कितना, वो बिलबोर्ड पर तो बड़ा जाइंट नजर आता है। या तो एडवर्टाइज, वो जब हमने अपनी बात में असर डालना हो ना एक्स्ट्रा,
तो हम उसके साथ कुछ ऐसे चीजें अटैच कर देते हैं कि लगने लगता है कि बड़ी ज्यादती हो गई है, बड़ा जुल्म है। मैंने तो आपसे पूछा है और शहरोज भाई से भी पूछा है कि मेरे नज़दीक इससे भी अहम सवाल ये बात सुन के मेरे जहन में आया कि आखिर आपकी सेहत याबी का काम, आपका इलाज आपकी मर्जी से क्यों नहीं हुआ या अब क्यों नहीं हो रहा? क्या अभी भी आपकी मर्जी नहीं है इलाज करवाने की? नहीं, जब आप जिक्र करते हैं तो इससे मुझे ये तासुर मिलता है कि शायद अभी भी मर्जी नहीं है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए। मदद हासिल कीजिए। मदद हासिल कीजिए।